नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। कोरोना जो भारत देश के साथ साथ समस्त दुनिया के लिए एक विकराल महामारी बन चुकी है, ऐसे में भारत के पास कोरोना पीड़ित मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। आज 24 अप्रैल 2020 है और लॉकडाउन को हुए आज 32 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मरीजों की संख्या 23,000 के पार हो चुकी है। ज़रा सोचिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही समय पर लॉकडाउन घोषित नहीं किया होता तो यह आंकड़ा कितना भयावह हो सकता था, शायद हम और आप सोच भी नहीं सकते। चलिए एक नज़र डालते हैं आज के कोरोना अपडेट पर। कोरोना केसेस की तादाद भारत में अब 23,000 के ऊपर हो चुकी है। कोरोना में फिलहाल भारत में 17,610 एक्टिव केसेस हैं। बीते 24 घंटे के अंदर अंदर कोरोना के 1684 नए केसेस आए हुए हैं। दोस्तों, लॉकडाउन 2.0 को ख़त्म होने को सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं, लेकिन कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, जो कि अब 23,077 हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर में कोविड-19 के 1684 केसेस आए हुए हैं और अभी तक भारत में 718 लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हो चुकी है। 37 लोगों की मृत्यु 24 घंटे के अंदर अंदर हुई है। जहां पे इतने लोगों की मृत्यु हो रही है, वहां पे लोग सही भी हो रहे हैं और डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। तो कोरोना से पीड़ित 4,748 लोग अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। महाराष्ट्र अभी तक कोरोना से पीड़ित भारत का सबसे वर्स्ट स्टेट है, जहां पे 6,430 केसेस आए हुए हैं, जिनमें 283 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ये केसेस के ओवरव्यू हैं। इंडिया में कंफर्म केसेस की संख्या 23,077 है, जिसमें से रिकवरी हुई है 4,749, डेथ रेट है 718। वर्ल्ड वाइड केसेस में अगर आप देखें तो 20 लाख से ऊपर तकरीबन 2.71 मिलियन लोगों की कंफर्म केसेस सामने आए हुए हैं, जिसमें से रिकवरी मात्र हुई है 74,000, मात्र 74,000 लोगों की रिकवरी हुई है और डेथ की संख्या 19,000 के ऊपर हो चुकी है। ये कोरोना केसेस इंडिया में स्टेट वाइज यहाँ पे दिया गया हुआ है। अंडमान और निकोबार में 22 केस हैं, आंध्र प्रदेश में कोरोना के 895 एक्टिव केसेस, अरुणाचल प्रदेश में 1, आसाम में 36, बिहार में 153, चंडीगढ़ में 27, छत्तीसगढ़ में 36, दिल्ली में 2,376, गोवा में 7, गुजरात में 2,624, हरियाणा में 272, हिमाचल प्रदेश में 40 केसेज हैं, जम्मू कश्मीर में 427 केस, झारखंड में 53 केस, कर्नाटका में 445 केस, केरला में 447 केस, मणिपुर में 2 केसेस, मेघालय में 12 केसेस, मिजोरम में 1 केस, उड़ीसा में 90 केस, पुडुचेरी में 7 केस, पंजाब में 277 केस, राजस्थान में 1,964 केस, तमिलनाडु में 1,683 केसेस, तेलंगाना में 960 केसेस, त्रिपुरा में 2 केसेस, उत्तराखंड में 47 केसेस, उत्तर प्रदेश में 1,510 केसेस, वेस्ट बंगाल में 514 केस, लद्दाख में 18 केस, मध्य प्रदेश में 1,699 केस, महाराष्ट्र में 6,430 केस, लद्दाख में 18 केस। इंडिया में अभी तक 5,00,000 से ऊपर सैंपल लिए जा चुके हैं कोरोना वायरस के। ये रिपोर्ट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दी हुई है। 3,773 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाए जा चुके हैं, हेल्थ सेंटर बनाए जा रहे हैं और केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां पे 1,94,226 आइसोलेशन बेड बनाए गए हुए हैं और उसमें 24,644 आईसीयू बेड्स भी हैं। 12,371 वेंटिलेटर्स की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई हुई है। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो कोरोना के केसेस 27,00,000 के ऊपर हो चुके हैं और ये लेटेस्ट फिगर है, आज का 24 अप्रैल 2020 का लेटेस्ट फिगर है, जहाँ पे डेथ टोल 1.9 लाख हो चुका है। US इस वक्त टॉप कर रहा है कोरोना केसेस में, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस वहीं पर है। वहाँ पे 8.68 लाख कोरोना के करंट केसेस हैं, जिसमें से 50,000 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है। वहीं स्पेन में 21,393 केसेस हैं और वहाँ पे डेथ हो चुकी है 22,157 लोगों की। इटली भी पीछे नहीं है, 1,89,973 केसेस हैं, जहाँ पे 25,549 लोगों की डेथ हो चुकी है। वहीं फ्रांस में 1,59,460 केसेस हैं एंड यहाँ पे डेथ हो चुकी है 21,889। इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे देश कोरोना जैसी महामारी के चपेट में हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि घर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि इस वक्त एकांत ही औषधि है। कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। धन्यवाद।